विधानसभा चुनाव में अपनी बाजी मारने को लेकर सभी प्रत्याशी जनसंपर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं बरही अनुमंडल के चौपारण थाना अंतर्गत कर्मा गांव से नया उभरता हुआ चेहरा माटी का बेटा अविनाश आर्य ने कहा कि मैं यहां के माटी का बेटा हूं। अविनाश आर्य ने अपने निजी खर्चा से कुछ माह पूर्व 51 जोड़ी लड़कियों की शादी करवाने का काम किया, गरीब वृद्ध को निःशुल्क तीर्थ कराने का काम किया। यहां की जनता वोट देकर सांसद और विधायक बनाते हैं और यहां के बेटा को ही अपना पेट पालने और परिवार को चलाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहां के माटी के बेटा को ही इलाज, शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां के लोगों को जब वोट देने का अधिकार है तो उन्हें शिक्षा के लिए बाहर भाई बहन बेटियों को जाना पड़ता है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उन्हें बाहर रेफर कर दिया जाता है। मैंने दृढ़ संकल्प लिया हूं कि अगर यहां की जनता हमें जिताती है तो बरही को जिला, बसैया और विजया को प्रखंड बनाने का काम करूंगा। किसी की भी बहन बेटी को शादी में मदद करने एवं बेरोजगार युवक लोगों को रोजगार के लिए दृढ़ संकल्प लिया हूं। यहां की जनता पहले ये देख ले कि किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा गौ तस्करी हुई है, गौ माता की हत्या हुई है। यहां के माटी के बेटा, माता और बहनों को जागरूक होने की जरूरत है। हजारीबाग से मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और आप देखें आरके भारत। अभी हमारे साथ अविनाश आर्य जी हैं। अभी यहाँ से इनका बक्सर साहब चुनाव चिन्ह है। अब इनसे जाने की कोशिश करते हैं कि मुद्दों पर लेकर अभी उतरे हैं और क्या इनको किस तरह समर्थन मिला है। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को, आरके भारत की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुद्दा नेताओं लोग बनाते हैं, वो लोग बाहर से मुद्दा लेके आते हैं, बनाते हैं, जैसे जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, इस तरह का मुद्दा वो लोग क्रिएट करते हैं। लेकिन इस माटी का बेटा होने के नाते मैं कोई मुद्दा बनाया नहीं, मैं उन्हीं समस्याओं को लेकर निकला हूं, उन सपनों के साथ निकला हूं जो हमारे सपने पूरे नहीं हुए। जब आप पता करेंगे तो आज आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज मैं तुरीवा कर्मा चौपारण में, जहां आप बैठ खड़े हैं वो चौपारण की धरती है, इस बरी विधानसभा का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप पता करेंगे तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और यहां के बच्चे को एक बुनियादी शिक्षा, बीए और एमए की पढ़ाई करनी है तो बाहर जाना है, कमाई करनी है तो बाहर जाना है, स्वास्थ्य के लिए इलाज करवाना है तो बाहर जाना है। आप समझ सकते हैं ऐसा कौन सा अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं जहाँ पे एक नॉर्मल सा पढ़ाई, साधारण सा पढ़ाई और कमाई के लिए हमारे घर के, हमारे मिट्टी के भाइयों को, जो हमारे भविष्य है, उनको अपने घर, आंगन, अपने मिट्टी को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। हम वोट देते हैं, विधायक, मंत्री, सांसद बनाते हैं इस मिट्टी पर, लेकिन हमारे घर के बच्चों को बाहर कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, हमारे घर के बच्चों को, आप लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? इन्हीं समस्याओं के साथ, जो समस्या से मैंने टकराया, जिस समस्याओं को चलते मैंने अपने घर, अपने आंगन, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बाहर गया, हमारी मूल समस्या ये है। साथ ही साथ यह बरी कैसे, एक बरी की जनता ने एक बार बरी के बेटे को चुनने का कार्य किया था तो बरी अनुमंडल बना था, या दूसरे बार बरी के बेटे को चुना जाएगा तो बरी को जिला बनाने का काम करेंगे, रामपुर और बिजैया को प्रखंड बनाने का काम करेंगे, यहाँ पे पढ़ाई और कमाई का पूर्ण व्यवस्था कैसे हो यह काम करेंगे, यहाँ पे मेरे नौजवान साथियों के लिए स्वरोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था कैसे हो यह काम करेंगे। आज जो भी नेता है वो बाहरी नेता थे और अभी भी जो आए वो बाहरी है, न वो इस मिट्टी के कोख से पैदा हुए, न मरेंगे तो इस मिट्टी पे, नहीं पाए मरेंगे। मैंने इस मिट्टी के कोख से पैदा हुआ हूँ और इस मिट्टी के जो दर्द है, जो समस्या है, मैं उनको जानता हूँ और मेरा यही सपना है। अभी जो आए हैं वो विधायक, मंत्री, सांसद बनने का सपना लेकर आए हैं और मिट्टी का बेटा होने के नाते मैं यह सपना लेकर निकला हूँ कि मेरे नौजवान भाइयों का हाथ कैसे मजबूत करूँ, उनके लिए रोजगार कैसे लाऊं, अपने भविष्य के लिए उनके लिए रोजगार संबंधित शिक्षा कैसे लाऊं, इस बरी को जिला कैसे बनाऊं, मैं यह सपनों के साथ निकला हूँ। आज आप देख रहे होंगे जो लोग धर्म के नाम के राजनीति कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उन धर्मलंबियों को कि आज तो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा शासन उनका यहाँ पे रहा है, सबसे ज्यादा शासन उनका यहाँ रहा है और बरी की जनता कोई बेवकूफ नहीं है। वो अपना आंख बंद करके अगर पता करेंगे तो उनको पता चलेगा कि अगर हिंदुत्व का प्रचार करते हैं तो हिंदुत्व में गाय को माता माना जाता है, उस गाय माता का सबसे ज्यादा तस्करी किनके शासन काल में हुआ ये पता कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा शासन यहाँ पे कौन किए और गाय का तस्करी सबसे ज्यादा किनके शासन में हुआ यह पता कर लीजिएगा, फिर वो जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं। ये मन में विचार कैसे आया कि चुनाव लड़ना चाहिए, मन में विचार आपको कैसे आया? मन में विचार ऐसा आया कि जब आप पता करेंगे तो मैं यहाँ का बेटा होने के नाते, जब एक जितना उन्होंने राज किया उतना हमारा उम्र भी नहीं हुआ तो मैंने 51 बेटियों का विवाह करवाया। आजीवन संकल्पित हुआ कि जो भी बेटी बहन की अगर शादी में जरूरत होगा तो उनको शादी का जोड़ा पहुंचाएंगे, जब भी इलाज की जरूरत होता है तो बेटा बनके उनके सामने आते हैं, तीर्थ यात्रा करवाते हैं, नौजवानों को रोजगार मिलना रोजगार दिलवाते हैं,
लेकिन मुझे लगा कि मेरा ये पार्ट टाइम सेवा से बड़ी की तस्वीर नहीं बदल सकती है, तो फुल टाइम सेवा करना होगा हमको। और फुल टाइम सेवा करने के लिए मुझे पावर में, मुझे सत्ता में आना ही होगा, सत्ता का सहारा लेना ही होगा। तभी जाके बड़ी के हर ब्लॉक में, जहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज, रोजगार संबंधित शिक्षा, कमाई देने वाली खेती, कमाई देने वाली पूंजी, वो सारा चीज का व्यवस्था मैं इसी माध्यम से कर सकता हूँ। इसलिए मैं चुनाव में आया। जो कोई नेता पहले ने किए वो आपने जो काम किया, चावन सारी करवाया, ये आपको कैसे मिला कि हमको ये सब काम करना चाहिए, प्लस अभी काम करवाए, ये सब में आप भाग बटर ले रहे हैं, कैसे मिला रहा है? बताया तो जब इस मिट्टी का कोई बेटा होगा, जब आपके घर का कोई बेटा होगा तो उसको पता होगा कि हमारे घर में क्या समस्याएं हैं। जब आप थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कीजिएगा, दो रुपया कमाइएगा, तो आपको लगेगा कि जिस जिन कठिनाइयों से मैंने झेला, जिन जिन कठिनाइयों से मैंने झेला है, कम से कम हमारे आने वाले दान निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती।